वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। HTML चैप्टर पढ़ रहे हैं, HTML और मैं लिस्ट एंड इमेजेस जो कि चैप्टर 8 है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है पहले से कि ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। सो देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ लिस्ट सपोर्टेड बाय HTML, है ना। ये तीन लिस्ट जो हैं जो कि HTML में सपोर्ट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट। ओके, और इस लिस्ट के बारे में के बाद जो है सो और लिस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ चीज़ों को भी पढ़ा है ना। और इसके बाद कल हम लोगों ने इमेज टैग के बारे में पढ़ा था। ओके, इमेज टैग इन HTML, और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स को भी हम लोगों ने पढ़ा, एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। ओके, तो इमेज टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है SRC, अलाइन, ऑल्ट, हाइट एंड विड्थ। ये चार कल हम लोगों ने पढ़ा था इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है ना, वो है आपका मार्क्यू टैग। ओके, कौन है वो है मार्क्यू टैग। आज हम लोग मार्क्यू टैग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मार्क्यू टैग क्या होता है और इसको अभी हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्यू टैग। अब इस मार्क्यू टैग के बारे में हम लोग जानते हैं कि मार्क्यू टैग क्या होता है। तो चलिए नीचे आप लाइन बुक पे देखिए, मार्क्यू टैग इज यूज टू सेट ए स्क्रॉलिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट और इमेजेस, राइट। क्या है मार्क्यू टैग? इज यूज टू सेट ए स्क्रॉलिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट और इमेजेस। यानी मार्क्यू टैग जो है सेट ए स्क्रॉलिंग, यानी ये स्क्रॉलिंग को सेट करता है, और वो भी दो तरह से, फर्स्ट वर्टिकली और सेकेंड हॉरिजॉन्टली। आप इसको वर्टिकली भी सेट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी सेट कर सकते हैं। यानी जो मार्क्यू टैग में जो टेक्स्ट यूज होते हैं वो और जो इमेजेज होते हैं उसको आप स्क्रॉल कराने के लिए दो तरह से सेट कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, राइट। ये दो तरह से इसमें सेट किए जा सकते हैं। ये स्क्रॉलिंग क्या होता है? तो स्क्रॉल का मतलब होता है टेक्स्ट या इमेज को मूव कराना, राइट, टेक्स्ट या इमेजेज को मूव कराना, समझ रहे हैं। तो इसमें मार्क्यू टैग जो होते हैं वो टेक्स्ट को स्क्रीन पे या किसी इमेज को जो है वो मूव कराते हैं और एक साइड से दूसरे साइड। ओके, तो ये एक साइड से दूसरे साइड मूव करवाते हैं टेक्स्ट को या किसी इमेज को, ठीक है। फिर देखिए, यूजिंग मार्क्यू टैग यू कैन सेट टेक्स्ट इमेजेज स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। मीन्स यानी इसमें जो टेक्स्ट और इमेज जो हम लेंगे उसको स्क्रॉल कराएंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ओके, यू कैन सेट द टेक्स्ट इमेजेज स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। यानी हम इसमें टेक्स्ट को जो है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट या फिर टॉप टू
बॉटम और बॉटम टू टॉप किसी भी तरह से इसको स्क्रॉल करा सकते हैं। इट कैन बी इंसर्टेड एनी वेयर इन द वेब पेज, और ये वेब पेज में कहीं भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसको आप स्क्रॉल के लिए कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। वाट एवर द टेक्स्ट टेबल और ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेबल हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, वी इंसर्ट बिटवीन द मार्क्यू टैग विल बी मूवेबल। यानी जो मार्क्यू टैग के बीच में हम लोग लेंगे इंसर्ट करेंगे वो मूवेबल होगा। क्या होगा? मूवेबल होगा। इट इज ए कॉन्टेनर्ड एलिमेंट, है ना। और ये जो मार्क्यू टैग होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्टेनर एलिमेंट होते हैं। तो कॉन्टेनर एलिमेंट क्या होता है? यानी वैसा एलिमेंट जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेनर एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉन्टेनर भी होते हैं और एम्प्टी होते हैं, है ना। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कंटेनर एलिमेंट्स दैट इंक्लूड बोथ द स्टार्ट टैग एंड एंड टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग, या फिर आप उसको कंटेनर एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी जिस एलिमेंट्स में दोनों चीज इंक्लूड हो, बोथ यानी स्टार्ट टैग भी और एंड टैग भी, उसको हम लोग कंटेनर एलिमेंट कहते हैं। ओके। और सेकेंड जो होता है वो होता है आपका एम्प्टी एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स दैट हैव ओनली वन ओपनिंग टैग आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। यानी वैसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ ओपनिंग एलिमेंट्स हो, है ना, उसको हम लोग एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो है आपका मार्क्यू टैग, ये आपका कॉन्टेनर टैग है। क्या है? कॉन्टेनर टैग। कहने का मतलब जो स्टार्ट भी होता है, जैसे देखिए यहाँ ये मार्क्यू है, इसमें दोनों टैग हैं। ये जो टैग आप देख रहे हैं ये ओपनिंग टैग हैं, ये क्या है? ओपनिंग टैग। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? क्लोजिंग टैग है, ये क्या है? क्लोजिंग टैग। तो जिस टैग में ये ओपनिंग भी हो और ये क्लोजिंग भी हो, तो वैसा टैग कंटेनर टैग होता है ना। तो इसलिए ये मार्क्यू टैग क्या है? कंटेनर टैग है। अब देखिए इस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्क्यू टैग, राइट। तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? फर्स्ट है डायरेक्शन, सेकंड है बिजी कलर, ठीक है। और इसके अलावा भी है, और भी है, विड्थ है, बिहेवियर है, स्क्रॉल अमाउंट है, वो नेक्स्ट पेज पे है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है डायरेक्शन। इसका क्या काम होता है? तो दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द डायरेक्शन ऑफ ए स्क्रॉल, है ना। वी कैन सेट डायरेक्शन एज लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट अप एंड डाउन, ओके। यानी डायरेक्शन एट्रीब्यूट जो है इसका यूज हम लोग सेट द डायरेक्शन ऑफ स्क्रॉल, यानी जो स्क्रॉल है उसके डायरेक्शन को सेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। वी कैन सेट द डायरेक्शन एज लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इसको हम कोई भी डायरेक्शन में जो है सेट कर सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, जैसे आपको मन करे। टेक्स्ट को स्क्रॉल कराने का आप वैसा सेट कर सकते हैं, है ना। उसके लिए एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ देखिए मार्क्यू टैग लेंगे और इसी के अंदर हम लोग डायरेक्शन वाला एट्रीब्यूट लिखेंगे, है ना। लिखेंगे मार्क्यू, फिर डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बाद यहाँ पे डायरेक्शन देंगे कौन सा लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, टॉप लेना है, बॉटम लेना है, जो भी लेना है ना। तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे चूज किया गया है लेफ्ट, ओके। और फिर यहाँ देखना थ्री डॉट जो है, इसी के बीच में हम लोग जो टेक्स्ट लिखे हैं लिखेंगे, वही टेक्स्ट आपका स्क्रॉल करेगा, और फिर उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है बीजी कलर। नेक्स्ट क्या है? बीजी कलर। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। एंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ मार्क्यू। यानी ये मार्क्यू के बैकग्राउंड कलर को जो है चेंज करता है। इस एट्रीब्यूट का क्या काम है? कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ मार्क्यू, यानी ये मार्क्यू के बैकग्राउंड को
चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे सिंटैक्स में, तो मार्क्यू फिर लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, यहाँ पे क्या लिया जा रहा है बैकग्राउंड ग्रीन, आप कुछ भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, येल्लो भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है, एज योर विश। कुछ जरूरी नहीं कि यहाँ ग्रीन लिखा हुआ है तो आपको ग्रीन ही लेना है, ओके। और उसके बाद यहाँ फिर टेक्स्ट लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसके दो एट्रीब्यूट्स हो गए, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स देखिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, वो है विड्थ, है ना, एंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द विड्थ ऑफ मार्क्यू, ओके। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द विड्थ ऑफ मार्क्यू, यानी ये जो मार्क्यू है उसके विड्थ को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, इसके लिए सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्यू, फिर इसके अंदर इसी टैग के अंदर हम लोग विड्थ यूज करेंगे इक्वल टू 500, राइट। फिर यहाँ पे थ्री डॉट्स है, यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है या इमेज जो भी लेना है आप ले सकते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है बिहेवियर, ये क्या है बिहेवियर, बिहेवियर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द वैल्यू विच शो हाउ द कंटेंट शुड स्क्रॉल, है ना। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो टेक्स्ट हैं कंटेंट हैं वो कैसे स्क्रॉल करेंगे। तो इट हैज द फॉलोइंग वैल्यूज, इसके कुछ वैल्यूज हैं, फर्स्ट है स्क्रॉल, सेकेंड है स्लाइड, एंड थर्ड जो है वो है आपका अल्टरनेट, फर्स्ट स्क्रॉल, सेकेंड स्लाइड एंड थर्ड अल्टरनेट, राइट। तो ये तीन वैल्यू हैं इसके। फर्स्ट जो है स्क्रॉल, इसका क्या मतलब होता है, तो इट मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड कंप्लीटली एंड देन स्टार्ट अगेन, ओके। इसमें टेक्स्ट या जो इमेजेज होंगे वो मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होंगे वो मूव करेंगे वन साइड टू अनदर साइड, कैसे वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक साइड से दूसरे साइड की तरफ कम्प्लीटली, यानी पूरा टेक्स्ट या इमेज जो भी होंगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कम्प्लीटली एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मूव करेगा, एंड देन स्टार्ट्स अगेन, और उसके बाद वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक बार पूरा मूव कर जाएगा और फिर उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से फिर वो शुरू से चलना शुरू हो जाएगा, फिर वो एंड होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका स्लाइड, नेक्स्ट क्या है स्लाइड, इट मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड एंड स्टॉप एट द अदर साइड। अब इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट में कि वो एक साइड से स्टार्ट होता है और दूसरे साइड तक जाता है कम्प्लीटली, एंड द स्टार्ट्स अगेन, और वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्लाइड में क्या होगा, इट मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड एंड स्टॉप द एट द अदर साइड, वो एक साइड से जाएगा और दूसरे साइड स्टॉप हो जाएगा, वो आगे फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, ओके। एंड थर्ड इज ऑल्टरनेट, इट वुड बाउंस द टेक्स्ट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मार्क्यू विड्थ एंड टू मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल ऑल द टाइम, है ना। इसमें टेक्स्ट जो है वो बाउंस करेगा, है ना, मार्क्यू टैग के बीच में, और वो हमेशा आपको दिखता रहेगा विजिबल ऑल द टाइम। इसके लिए यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे, राइट। एंड थर्ड सॉरी फिफ्थ जो है अब एट्रीब्यूट्स एंड लास्ट एट्रीब्यूट्स स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है,
तो दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मार्क्यू ऑब्जेक्ट. सो स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू वन गिव्स यू द स्लोएस्ट स्क्रॉल स्पीड एंड स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू सेवन गिव्स यू द फास्टेस्ट स्क्रॉल स्पीड. ठीक है, तो स्क्रॉल एट्रीब्यूट्स का यूज जो है वो सेट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मार्क्यू ऑब्जेक्ट्स, यानी जो मार्क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं है ना उसके मूवमेंट के स्पीड ऑफ मूवमेंट को सेट करना है ना. और इसमें स्पीड का अमाउंट भी दिया हुआ है. अगर हम वन लेते हैं तो ये सबसे स्लोएस्ट स्क्रॉल होगा है ना, ये सबसे स्लोएस्ट स्क्रॉल स्पीड है. यदि हम सेवन लेते हैं तो ये जो है गिव यू द फास्टेस्ट स्क्रॉल स्पीड, यानी ये सबसे फास्टेस्ट स्क्रॉल स्पीड आपको देगा. ओके, तो वन सबसे स्लोएस्ट एंड सेवन सेवन जो है आपका वो सबसे फास्टेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंटैक्स में देखिए, मार्क्यू टैग है ना, और इसमें स्क्रॉल इक्वल टू वन दिया हुआ है, यानी और सबसे स्लोएस्ट वैल्यू जो है वो लिया गया है. ओके, तो इस तरह से हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर आपका अब फिनिश हो गया. अब हम लोग इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं. तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो है आपका चूज द करेक्ट आंसर है ना, चूज द करेक्ट आंसर, यानी इसमें क्वेश्चंस हैं उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है जो सही होगा. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट इज ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, ऑप्शन इज अनऑर्डर्ड, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज नेस्टेड एंड थर्ड इज ऑर्डर्ड एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. इस 4 में से आपको कोई एक चूज करना है. तो नेस्टेड लिस्ट इज ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट नहीं होगा, अनऑर्डर्ड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नेस्टेड होगा. नेस्टेड का मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब ही होता है कि लिस्ट मींस नेस्टेड लिस्ट मींस ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट है ना, यानी लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट. तो इसका ऑप्शन 1 होगा, नेस्टेड होगा, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी होगा. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट इज ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है. एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द पोजीशन ऑफ एन इमेज इन द वेब पेज. ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट है जो इमेज के पोजीशन को सेट करने के लिए यूज किया जाता है वेब पेज में है ना. एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन. ठीक है, पोजीशन का मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किधर करना है. यहाँ ऑप्शन है 4 है, अलाइन है, एसआरसी है, ऑल्ट है एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज. ओके, तो अलाइन जो है अलाइन का ही काम होता है पोजीशन को सेट करना. ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऑप्शंस होते हैं. ओके, तो इसका आंसर ए होगा, यानी अलाइन. एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन ऑफ एन इमेज इन द वेब पेज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन मार्क्यू टैग,
इन मार्क्यू टैग फिल इन द ब्लैंक एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द डायरेक्शन ऑफ ए स्क्रॉल। ठीक है, यानी मार्क्यू टैग में कौन सा एट्रीब्यूट है जो स्क्रॉल के डायरेक्शन को सेट करता है, है ना? मार्क्यू टैग में कौन सा एट्रीब्यूट है जो स्क्रॉल के डायरेक्शन को सेट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज बिजी कलर, सेकेंड इज विड्थ, थर्ड इज डायरेक्शन एंड फोर्थ इज बिहेवियर। तो बिजी तो डायरेक्शन नहीं सेट करता है, बिजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, ये तो होगा ही नहीं। विड्थ ये भी नहीं होगा, डायरेक्शन है ना, मे बी, एंड बिहेवियर, तो बिहेवियर भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वैल्यू सेट सेट द वैल्यू विच शो द कंटेंट शुड स्क्रॉल, है ना, ये कैसे करेगा? तो इसमें डायरेक्शन ही होगा, क्या होगा? डायरेक्शन। एंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द डायरेक्शन ऑफ ए स्क्रॉल, है ना, यानी डायरेक्शन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द डायरेक्शन ऑफ ए स्क्रॉल। तो थर्ड का ए। ओके, सॉरी ए नहीं, सी में है ना डायरेक्शन, सी होगा, थर्ड का सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स है, एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू टैग सेट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द मार्क्यू ऑब्जेक्ट। ऑप्शन इज एलाइन, बिहेवियर, एसआरसी एंड स्क्रॉल अमाउंट। एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू टैग सेट द स्पीड ऑफ मूवमेंट, तो स्पीड ऑफ मूवमेंट के लिए अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था कि कौन से एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं, स्क्रॉल अमाउंट, क्या होगा? स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू टैग सेट्स द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मार्क्यू ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, फिल इन द ब्लैंक्स एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी टैग, attributes of img tag specifies an image as a client side image map। okay, तो इसमें आपका हो जाएगा option number 4, use map। okay, क्या हो जाएगा? use map। अब देखिए इसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, उसके लिए ऊपर में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन लिस्टेड फॉर्म। तो लिस्टेड फॉर्म में के लिए जो कौन सा टैग यूज होता है, तो वो होगा आपका ये, ठीक है, li। सेकेंड, इन इमेज टैग, एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द पाथ ऑफ ए इमेज, एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द पाथ ऑफ ए इमेज। तो टू में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, है ना, 3 में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग डिफाइन द साइज ऑफ एन इमेज।
तो थर्ड में आपका हो जाएगा हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग डिफाइन द साइज ऑफ एन इमेज। ओके चलिए नेक्स्ट फोर, ऑर्डर्ड लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग ओएल टैग। ओके इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग। ओके एंड नंबर फाइव एंड लास्ट, यूजिंग मार्क्यू टैग यू कैन सेट टेक्स्ट इमेजेज स्क्रॉल इन ए वेब पेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लास्ट ऑप्शन बचा है लेफ्ट टू राइट। तो टेक्स्ट को स्क्रॉल कराने के लिए, इमेज को स्क्रॉल कराने के लिए को हम लोग मार्क्यू टैग में कौन सा सेट करते हैं, वो ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट। यूजिंग मार्क्यू टैग यू कैन सेट द टेक्स्ट इमेज स्क्रॉल इन द वेब पेज लेफ्ट टू राइट, है ना, इमेज को स्क्रॉल लेफ्ट टू राइट हम लोग करा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट डे हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग इसके जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको कंप्लीट करिए एंड ट्राई योर सेल्फ फॉर क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपसे संभव हो तो पहले आप खुद से बनाइए, नहीं तो मैं फिर और डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर सी। ओके तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग से अगर क्वेश्चन नंबर सी नहीं हुआ तो इसमें क्वेश्चन और टोटल 7 क्वेश्चन हैं, मैं उसको अगले क्लास में और डिफाइन कर दूँगा। ओके चलिए हैव ए गुड डे।